हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे DFCCIL की तरफ से रिजल्ट की रिगार्डिंग एक और यहाँ पे अपडेट निकल के आ रहा है। आज का डेट में आपको पता होगा कि यहाँ पे 31 जनवरी से यहाँ पे DFCCIL के जो आपका एग्जाम लिया गया था उसका यहाँ पर रिजल्ट आना शुरू हो चुका है। और आज भी यहाँ पे दो पोस्ट का यहाँ पर रिजल्ट आपके लिए डिक्लेयर यहाँ पे किया गया है, जो कि आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का और आपके एग्जीक्यूटिव यहाँ पे SNT का रिजल्ट यहाँ पे आपका डिक्लेयर हो चुका है। तो आइए इस PDF को हम डाउनलोड करते हैं और देखते हैं इसमें किस तरह से रिजल्ट आपका दिया गया है, साथ में कट ऑफ वगैरह यहाँ पे कितना गया है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले इस PDF को हम डाउनलोड करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर रिजल्ट का यहाँ पे PDF है, जहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, जो कि 27 से लेकर आपका 30 सितंबर 2021 के बीच में यहाँ पे एग्जाम जो है कंडक्ट कराया गया था CBT 1 का। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं उनका यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा नाम और आपका रोल नंबर यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं रोल नंबर, नाम और साथ में आपका इसमें टोटल जो कैंडिडेट जो इसमें सिलेक्ट हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 87 कैंडिडेट्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। और इसमें कितना सीट था आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, यहाँ पर तकरीबन 87 ही शायद इसमें सीट था। और बाकी अगर बात करें कि आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो आपके एग्जीक्यूटिव पोस्ट में आपका कोई इसमें इंटरव्यू और ना ही इसमें आपका साइको था। इसमें डायरेक्ट आपका CBT 1 के बाद आपका यहाँ पे DV के लिए आपको यहाँ पे बुला लिया गया है। और DV का भी डेट आपको इसमें बता दिया गया है। आप देख सकते हैं कि 24 मार्च 2022 को आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट यहाँ पर दिया गया है। 25 तारीख को यानी कि ठीक एक दिन बाद आपका यहाँ पर मेडिकल भी आपका हो जाएगा, तो आप मेडिकल के लिए भी आप यहाँ पर प्रिपेयर होकर जाइएगा। और 24 तारीख को यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स के यहाँ पर 25 को भी दिया गया है, तो अपना यहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा। कुछ कैंडिडेट के यहाँ पर 28 मार्च को भी दिया गया है और 29 मार्च को भी है। तो इस तरह से DV का आपका डेट रहने वाला है और उसके एक दिन बाद आपका यहाँ पे मेडिकल का भी आपका डेट इसमें दे दिया गया है। और अगर बात करें कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कहाँ होने वाला है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, द नेम ऑफ प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इन द मेन पैनल ऑफ द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव SNT। और जो भी यहाँ पे दिया गया है ये आपका यहाँ पे आपको प्रेजेंट होना होगा आपका DFCCIL 3rd फ्लोर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में यहाँ पे DV आपका होने वाला है। और जो भी यहाँ पे DFCCIL जो पोस्ट अभी निकाला गया है सभी का यहाँ पे DV के लिए आपका यही स्थान है, जो कि यहाँ पे DFC में, और ये आपका न्यू दिल्ली में आपको यहाँ पे जाना होगा। आपको सुबह 9:30 बजे वहाँ पे पहुँच जाना होगा। और जो भी आपका डेट है आप यहाँ पे अपना देख लीजिएगा, बाकी अपना मेल ID वगैरह भी आप एक बार अच्छी तरह से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा जो भी कैंडिडेट इसमें आप यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। बाकी बात करें कि कट ऑफ आपका इसमें कितना गया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 120 मार्क्स का यहाँ पर टोटल आपका एग्जाम हुआ था। इसमें जो आपका कट ऑफ यहाँ पर कट ऑफ गया है वो आपका यूअर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 98 आपका गया है लगभग। और आपका लोएस्ट अगर कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे 89 आपका गया है। उस तरह से यहाँ पे EWS में देख सकते हैं, तो EWS में आपका 88 है और आपका लोएस्ट में आपका 85 गया है। और बाकी यहाँ पे OBC में नॉन क्रीमी लेयर के लिए 101 गया है। उस तरह से SC में आप देख सकते हैं कि 87 गया है हाईएस्ट कट ऑफ। और इस तरह से आप ST में आप देख सकते हैं कि 81 है, PWD में 77 है और 83 गया है आपका एक्स सर्विसमैन के लिए हाईएस्ट कट ऑफ। तो इस तरह से कुछ आपका यहाँ पे कट ऑफ यहाँ पे आपके लिए निकाला गया है। बाकी 120 मार्क्स का यहाँ पे आपका एग्जाम था, इसमें कोई इंटरव्यू और ना ही कोई आपका इसमें साइको है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं डायरेक्ट उनको यहाँ पे DV के लिए बुला लिया गया है। ठीक एक दिन बाद आपका यहाँ पे मेडिकल भी आपका हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आइए आप देख लेते हैं नेक्स्ट जॉब का रिजल्ट इसमें निकाला गया उसके बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका एक और पोस्ट का रिजल्ट यहाँ पे जारी किया गया वो आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का यहाँ पे रिजल्ट है। और इसका भी एग्जाम आपके यहाँ पे 27 से लेकर 30 सितंबर 2021 के बीच में यहाँ पे कंडक्ट यहाँ पे कराया गया था। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए, उनका यहाँ पर रोल नंबर और नाम वगैरह आपको इसमें दे दिया गया। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर रोल नंबर दिख रहा होगा, नाम दिख रहा होगा, और यहाँ पर टोटल जो कैंडिडेट्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है, आपको मैं बता दूँ कि इसमें यहाँ पर केवल यहाँ पर 14 कैंडिडेट्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। कितना सीट है आपको यहाँ पर शो भी यहाँ पर हो रहा होगा स्क्रीन पर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी आप जो भी कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट हुए हैं उनका कोई इसमें इंटरव्यू वगैरह नहीं है, मैंने आपको बता दिया था। और मैंने एक वीडियो बनाया है कि आपका कौन सा पोस्ट में इंटरव्यू है, किसमें क्या है, तो कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग एक वीडियो है। तो एक बार आप ऊपर आई बटन आप चेकआउट कर लीजिएगा, मैंने उसमें बताया है कि कौन सा पोस्ट में इंटरव्यू है, किसमें आपका साइको होगा। तो एक बार आप उस वीडियो को भी आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और बाकी जो कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट हुए उनका अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। DV का भी डेट आप यहाँ पर देख लीजिएगा, 15 मार्च 2022 को आपका DV यहाँ पर रखा गया है। और कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स का 15 मार्च को ही है, टोटल 14 कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं। और बाकी ठीक एक दिन बाद यानी कि 16 मार्च को आपका यहाँ पे मेडिकल के लिए आपको यहाँ पे बुला लिया गया। ठीक एक दिन बाद आपका मेडिकल हो जाएगा, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे प्रिपेयर होकर जाइएगा। और बाकी बात करें कहाँ पर आपको जाना होगा DV के लिए, तो यहाँ पर देख लीजिए कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर दे दिया गया है कि यहाँ पर DFCCIL 3rd फ्लोर पर आपको जाना है, जो कि सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन जो है और यहाँ बिल्डिंग कम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में आपका यहाँ पर DV जो है होने वाला है। सुबह 9:30 बजे वहाँ पर आपको पहुँच जाना होगा। और साथ में जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए अपना मेल ID वगैरह एक बार आप अच्छी तरह से चेकआउट आप कर लीजिएगा।
इसको बात करें यहाँ पे कि आपका कितना यहाँ पे कट ऑफ गया है, तो कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूआर कैंडिडेट्स के लिए आपको यहाँ पे 103 कट ऑफ गया है हाईएस्ट, और लोएस्ट आपका यहाँ पे 97 गया है। उस तरह से ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस में आपको 97 गया है हाईएस्ट, और यहाँ पे 97 आपका लोएस्ट भी है। और बाकी यहाँ पे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आपको इसमें कोई कट ऑफ नहीं, इसमें सीट नहीं होगा। बाकी एससी के लिए यहाँ पे 93 है, और इस तरह से आप एसटी के लिए भी देख सकते हैं 85 है आपका यहाँ पे, और आपका पीडब्ल्यूडी में आपका 83 है, 73 गया है एक्स सर्विसमैन के लिए। तो कट ऑफ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल 120 मार्क्स का यह आपका यहाँ पे एग्जाम लिया गया था। इसके बाद जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए उनका डीबी और मेडिकल का प्रोसेस आपका होने वाला है। बाकी कोई क्वारीज होगा नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आप एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। और साथ में अगर आप वीडियो चाहते हैं कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, तो एक बार आप कमेंट करके अपना जरूर बता दीजिएगा, मैं एक इसके रिगार्डिंग एक अलग से एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। और बाकी और भी जो पोस्ट यहाँ पे बच रहा है जिनका अभी रिजल्ट आपका नहीं आया है, तो डीएफसी के बारे में डीएफसी की तरफ से एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट भी किया गया था कि आपका तकरीबन 10 दिन के अंदर आपका सभी का रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगा। तो जिनका भी रिजल्ट नहीं आया है या वेट कीजिए, कुछ दिन के अंदर आपका भी रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगा, अब ज़्यादा समय आपके लिए नहीं बचा है। और बाकी जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उनको मेरी मेरी कॉन्ग्रेचुलेसन, जाइए अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, और जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर आप जरूर बता दीजिएगा कि आई एम सेलेक्टेड। और यही था इन्फॉर्मेशन जो कि आपको बताना था। और बाकी जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, अभी काफ़ी सारी वैकेंसी भी आएगी। अभी अगर अभी आपको अगर कोई फॉर्म भरना है तो अभी यहाँ पर IOCL के लिए एक वैकेंसी निकल गया है, परमानेंट रिक्रूटमेंट है, तो एक बार आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसे यहाँ पर भर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।